हाय फ्रेंड्स, मैं अनम सूर्य है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज मैं बात करने वाला हूँ मराठी फिल्म आपला माणूस के टीजर के बारे में। जी हाँ, उसका रिव्यू दूंगा। और ये फिल्म पहली अजय देवगन की फिल्म है जो मराठी में वो प्रोड्यूस कर रहे हैं और बहुत ही अच्छी इसकी स्टोरी लाइनअप है। इसके पहले करीबन करीबन 15-20 दिन पहले या एक महीने पहले इसका फर्स्ट पोस्टर आया था, तो लोगों ने कहा कि यार आप जरा इसके बारे में बताइए। तो मैंने उसके बारे में बिल्कुल नहीं बताया क्योंकि पोस्टर के ऊपर मुझे लगा कि थोड़ा सा और टीजर वगैरह आ जाए तो थोड़ा अच्छे से बताओ। बहुत अच्छा एक स्टोरी है। नाना पाटेकर लीड में है, मेरे फेवरेट है, मैंने कई बार आपको कहा है। और इस फिल्म में वो एक पुलिस ऑफिसर का रोल निभा रहे, क्राइम ब्रांच के सीनियर पुलिस ऑफिसर, उसका उनका नाम है इस फिल्म में मारुति नागर गोजे। जी हाँ, यही नाम है। और एक मर्डर हो जाता है, यानी कोई कत्ल कर देता है, कोई बंदा ऊपर से बिल्डिंग से गिरा जाता है। उसके बाद उस पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन किस तरह से करते हैं उसके ऊपर पूरी की पूरी स्टोरी है। और बहुत ही अच्छा, अभी तक इसमें एक मिनट का ही टीजर है तो बहुत ज्यादा इसमें चीजें आपको दिखेगी नहीं, लेकिन जितनी भी दिखेगी आपको, आप देख के इतना ही बोलोगे कि फिल्म में दम है और फिल्म देखने लायक है। और एक डायलॉग है जो बहुत अच्छा जब लगा वो मैं बताता हूँ, मराठी में, लेकिन मैं हिंदी में बताता हूँ। दूसरों के सामने ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश मत करो, तुम कोई गांधी नहीं हो। ये नाना पाटेकर का डायलॉग है जो बहुत अच्छा है। और एक और द एंड ऑफ द टीजर में डायलॉग है, डरो मत, मजा तो अभी शुरू हुआ है। जब लोग डरते हैं, बोलते हैं जब गवाही देने के लिए कि यार आपकी तो मर्डर हुआ तो क्या है ना, तो उस समय डरा तो कोई बंदा तो ना पड़ेगा, ये डायलॉग बोलते। तो ओवरऑल टीजर धमाकेदार है, मजेदार है। वायकॉम 18 इसे प्रोड्यूस कर रहा है, साथ ही अजय देवगन भी इसे प्रोड्यूस कर रहे हैं इस फिल्म को। और नाना पाटेकर फिल्म में है तो फिल्म में तो अपने आप चार चांद लग ही गए हैं। 9 फरवरी को रिलीज होने वाली है, यानी कि 9 फरवरी को दो हिंदी फिल्में, सोनू की टिट्टू की स्वीटी अय्यारी और मराठी फिल्म जो आपको मैंने बताया अभी आपला माणूस फिल्म का नाम है, ये रिलीज हो रही है। और एक अच्छी पहल है अजय देवगन की तरफ से। अगर आपने ध्यान दिया होगा पिछले एक डेढ़ सालों में कई सारे हिंदी फिल्म के मेकर्स मराठी फिल्में कर रहे हैं। अगर मैं आपको बता दूं यहाँ पे प्रियंका चोपड़ा की वेंटिलेटर पहली मराठी फिल्म थी, बहुत हिट गई थी पिछले साल, एक उनकी दूसरी फिल्म जल्द ही आ रही है। तो हर कोई जो बॉलीवुड वाले हैं हाथ डाल रहे मराठी फिल्मों में, कहीं ना कहीं प्रॉफिट ज़्यादा बेहतर रहता है, गवर्नमेंट से कुछ सपोर्ट मिलता है कुछ फाइनेंशियली, तो बहुत सारा एक फायदा भी है कहीं ना कहीं। और एक अच्छी खासी फिल्में भी बन रही है और मराठी भी एक अच्छी खासी ऑडियंस है महाराष्ट्र की, तो वो एक अच्छी बात है। और ये फिल्म कड़क होने वाली है, मतलब धमाकेदार होने वाली है, मुझे ऐसा लग रहा है। और टीजर अच्छा लगा, अगर रेटिंग की बात करें कि पूरी की पूरी टीजर कैसा लगा मुझे, तो मैं 5 में से 4 स्टार जरूर दूंगा क्योंकि टीजर मुझे कड़क लगा। इसलिए नहीं कि नाना पाटेकर मेरे फेवरेट, बट इसलिए कि ओवरऑल टीजर एक्चुअली धमाकेदार है। एक चीज बताना भूल गया, वो आपको बताना बहुत जरूरी है, इस फिल्म का डायरेक्टर है सतीश राजवाड़े। सतीश राजवाड़े ने इसके पहले मुंबई पुणे मुंबई टू, उसके बाद ती श्रद्धा काय करते और बहुत सारी अच्छी अच्छी फिल्में बनाई है मराठी जगत में, और एज एन एक्टर भी पहले रह चुके हैं और हजार चौरसे की माँ हिंदी फिल्में और कई और फिल्मों में भी, तो एक अच्छे खासे जानते हैं ये जो जैनर है सस्पेंस का, खून खराब है इस तरह, मतलब आप ये कह सकते हो मराठी फिल्मों के आप उनका अनुराग कश्यप भी कहीं ना कहीं कह सकते इस, अगर ये फिल्म का तोड़ देखे तो कैसा लगा आपको टीजर जरूर बताइए। आपने तो देखा नहीं होगा शायद, या देखा भी होगा तो अच्छी बात है, नहीं देखा तो मैं इसे अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ खास आप लोग के लिए, आप वहां से टीजर देखिए। जरूर कमेंट करिए आपकी क्या राय है और क्या लगता है अजय देवगन की पहली मराठी फिल्म एज ए प्रोड्यूसर कैसी रहेगी, जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए।